चॉप चॉप डीएलसी की बात करें तो यार उसमें काफी सारे नए चेंजेस या फिर नए एडिशनल चेंजेस जीटीए ऑनलाइन में आए हुए हैं। एक एक करके हम इसके बारे में बात करेंगे। अब ध्यान रखना गाइस, बहुत सारे चेंजेस किए हुए हैं रॉकस्टार ने इस डीएलसी के बाद जीटीए ऑनलाइन में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाके जो है वो आप पढ़ सकते हो लाइक एक बाय एक, लाइक उसी वही से मैंने जो है वो रेफरेंस लिया है इस वीडियो का, एंड वही से जो भी चेंजेस हुए वही देख के मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं आपको। अब सारे चेंजेस तो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, एनीवेज जितने में जो इंपॉर्टेंट लगे वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। शुरुआत करते हैं हम एक नई गन से। अब गन वैन अगर आपको मालूम है तो वो कहीं पे भी स्पॉन होती है गेम में, वहां पे आपको एक नई गन यहां पे मिलेगी, लाइक उसका नाम है बैटल राइफल। 447,000 की ये गन है एंड ये गन जो है वो आप बाय कर सकते हो। मैंने इसको चलाया नहीं है, क्या कैसे इसके फायर रेट है क्या है, मैंने बस इसको बाय करके रखा था। एंड आप मुझे बता सकते हो कि क्या ये गन जो है वो लाइक दूसरे राइफल से एज कम्पेयर टू कार्बाइन राइफल है, स्पेशल कार्बाइन राइफल, उनसे जो है वो क्या बढ़िया है या नहीं। नेक्स्ट चेंज के बारे में बात करते तो वो है ड्रिफ्ट रेसेस के लेके। ड्रिफ्ट रेसेस यहाँ पे नई डाली हुई है, नया कंटेंट डाला हुआ है रेसेस में। ड्रिफ्ट रेसेस यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया है, मुझे अच्छी लगी खेलने में। आपको क्या लगा, आप ट्राई कर सकते हो इनको, काफी ज्यादा बढ़िया मुझे तो लगी है यार, क्योंकि ड्रिफ्ट जो करते हैं लाइक ड्रिफ्टिंग कार्स ये सब जो है वो चीजें मुझे काफी ज्यादा पसंद है, मुझे बढ़िया लगी है। आपको क्या लगता है, अगर आपने खेली है तो कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। गाड़ियों की बात करें तो टोटल 11 गाड़ियां ऐड की गई है एंड मैंने जो है वो जो नया सेल्वेज यार्ड का बिजनेस आया उसके ऊपर गाइड वीडियो भी बनाई थी, उसी में मैंने सारे ये जो गाड़ियां वाड़ियां है सब कुछ मैंने बता दिया था। स्ट्रीम में भी मैंने आपको दिखा दिया था कि सारी गाड़ियां है, टोटल 11 गाड़ियां अभी के लिए आई हुई है। दो उसमें से लेजेंडरी मोटर स्पोर्ट्स पे है, 6 उनमें से जो है वो आपको सदन सैन एंड्रियास में मिलेंगी एंड 3 जो है वो आपको वॉरस्टॉक पे मिलेगी। अब वॉरस्टॉक वाली ज्यादा खास है क्योंकि वो दो सारी की सारी पुलिस की गाड़ियां हैं, एक अनमार्क्ड है, अनमार्क्ड पुलिस क्रूजर जो जिसपे कोई लिवरी नहीं है, एक जो है वो पुलिस क्रूजर है जिसमें लिवरीज है एंड एक रायट कंट्रोल की वैन है। तो अगर आपने इनको बाय नहीं किया तो आप जो है वो जरूर बाय करना, इनको काफी ज्यादा बढ़िया है। ट्रेड प्राइस पे भी इसको अनलॉक कर सकते हो आप रैंडम इवेंट के थ्रू। कपड़ों की बात करें तो यार मेल्स के लिए 150 कपड़े ऐड किए गए हैं नए, फीमेल्स के लिए 150 ऐड किए गए हैं नए कपड़े। अब अगर आप कपड़ों के शौकीन हो तो फिर यार ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा आपके लिए, काफी सारे नए कपड़े यहाँ पे आए हुए हैं। साथ ही साथ कपड़ों के साथ इन्होंने नए हेयर स्टाइल्स भी ऐड किए हैं, बस एक ही हेयर स्टाइल मेल के लिए ऐड किया है, एक फीमेल के लिए ऐड किया गया है। आप जाके जो है वो देख सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने कैरेक्टर के हिसाब से कि आपको ये नए हेयर स्टाइल जच रहे या नहीं। अब हेयर स्टाइल्स की बात कर ही रहे तो टैटूज की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि 32 नए यूनिसेक्स टैटूज ऐड किए गए हैं, यूनिसेक्स यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। यहाँ पे 32 नए डिजाइन्स आपको मिलेंगे टैटू सेक्शन में, सारे लाइक हेड नोज टोज जो मतलब जो भी कैटेगरीज है उसमें जो है वो आपको नए टैटूज यहाँ पे मिलने वाले। तो ये तो भाई काफी ज्यादा बढ़िया चीज होगी, क्योंकि टैटूज मुझे बहुत पसंद है अपने कैरेक्टर पे लगाने के लिए। अब जाकर तब बात है एनिमल्स की, क्योंकि मैंने जो है वो एनिमल्स सुना था कि लाइक एनिमल मूवी नहीं बाय द वे जीटीए ऑनलाइन में जो है वो ट्विटर पर मैंने पढ़ा था कि एनिमल्स आर रिटर्निंग इन जीटीए ऑनलाइन, बट ये जो है वो लाइक PS5 एक्सबॉक्स सीरीज एस एन एक्स के लिए ही है, सिर्फ पीसी में जो है वो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कोई एनिमल नहीं आने वाला है पीसी में। अगर आप ढूंढ रहे हैं पागलों की तरह कि भाई मेरे लिए क्यों नहीं एनिमल स्पॉन हो रहा है, मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा है, तो भाई आपके लिए कभी नहीं होगा अगर आप पीसी पे खेल रहे हो तो, क्योंकि पीसी पे एनिमल्स आने ही नहीं वाले हैं और कभी नहीं आएंगे शायद। बट एनीवेज पीसी के जो है वो एक्सबॉक्स सीरीज एक्स एंड एक्स में आपको जो है वो अगर आप खेलते हो या फिर प्लेस्टेशन 5 पे खेलते हो तो फिर जो है वो आपको एनिमल्स मिलेंगे। इंटरेक्शन मेन्यू की बात करो तो इंटरेक्शन मेन्यू में भी काफी सारे चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे जो है वो हेल्थ एंड एमो का नया सेक्शन दिया गया है, मैनेज व्हीकल्स का नया सेक्शन दिया गया है, मैनेज व्हीकल्स का तो पहले से ही था बट दूसरे चैलेंजेस, डेली चैलेंजेस, वीकली चैलेंजेस, तो ये सारे थोड़े से जो है वो चेंजेस हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक ईजी वे आउट का ऑप्शन था आपको अगर याद होगा इंटरेक्शन मेन्यू में, तो उसको हटा के ऑप्शन में डाल दिया गया। ऑप्शंस कौन से ऑप्शंस, गेम के ऑप्शंस। अगर आप एस्केप की दबाओगे तो वहां पे ग्राफिक्स अगर आप चेंज करने जाओ तो वहां पे ऑप्शंस में आपको जो है वो इजी वे आउट का ऑप्शन मिलेगा, तो जो इसको एक्सप्लॉइट करते थे पीवीपी में तो वो जो है वो अब नहीं कर पाएंगे। मोस्टली कंसोल्स पे ही होते हैं पीवीपी, अब पीसी पे तो सारे चीजें रेडी हो गए, मोस्टली आपको मॉडर्स ही मिलने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम थ्रोएबल्स की बात करें, थ्रोएबल्स यानी कि ग्रेनेड्स, स्मोक बॉम्ब्स, स्टिकी बॉम्ब्स, पाइप बॉम्ब्स, तो इनको जो है वो एक लेवल था पर्टिकुलर, तभी जाके आप इसको अनलॉक कर सकते थे राइट। नए प्लेयर जैसे कि एक बंदा लेवल 1 का है वो इसको बाय
ट्राई नहीं कर सकता, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो कैप हटाया गया है। अगर नया प्लेयर कोई आता है तो वो भी जो है वो ये थ्रोएबल्स बाय कर सकता है। तो ये तो काफी ज्यादा बढ़िया हुआ यार, जो नए प्लेयर्स आएंगे उनके लिए जो है वो काफी ज्यादा ईजी हो गया। हम जो पुराने प्लेयर्स थे, जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था तो भाई बहुत ही ज्यादा भाई घिसना पड़ा था, एंड मुझे अभी भी याद है वो दिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे GTA ऑनलाइन में। अब यहाँ पे जो है वो अगर हम ये चीजें की बात कर रहे हैं तो एक और यहाँ पे चेंज हुआ है, एंड वो है LS कारमीट को लेके। LS कारमीट में क्या हुआ है, क्योंकि LS कारमीट में अगर हम लाइक बात करें तो आप जो है वो अपनी फ्रेंड की कार जो है वो कॉपी कर सकते हो एंड खरीद सकते हो। तो ये भाई आई डोंट नो कि श्योर कैसे वर्क करता है, बट यहाँ पे जो है वो जो लिखा है इन्होंने, आई होप कि वही होगा। ये होगा क्या इसमें कि भाई आप अपनी फ्रेंड की कार जो आपको पसंद है, जो आपके पास नहीं है, रॉकस्टार ने उसको हटा दिया, तो वो बस LS कारमीट में लेके आओ, उसको जो है वो लाइक कॉपी एंड परचेज कर लो। तो ये कैसे होता है, आई एम रियली नॉट श्योर क्या ये पीसी पे होता है, यानी आप मुझे जो बताओ, क्योंकि मैंने मेरा मतलब अभी तो GTA ऑनलाइन में मैं खेलता नहीं हूँ ज़्यादा कुछ जो है वो फीचर्स मुझे अब जो आए हैं वो मुझे भाई एक दिन ढंग से बैठ के जो है वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी है, एंड भाई उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप मुझे बता सकते हो। रिपोर्ट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे रिपोर्ट सिस्टम यहाँ पे इंटरैक्टिव लाइक चेंज कर दिया गया है। इसका जो इंटरफेस है, अगर आप किसी प्लेयर को रिपोर्ट करने जाते हो या फिर जॉब को रिपोर्ट करने जाते हो तो इस तरीके से अभी आ रहा है। एनीवेज ये रिपोर्ट सिस्टम पहले भी बकवासी था, अभी भी बकवासी है, एंड ये हमेशा बकवासी रहने वाला है। ना ही कोई प्लेयर इससे जो है वो बैन होगा कभी, ना ही कोई ये प्लेयर जो है वो इससे मतलब टॉक्सिसिटी हटने वाली है। सो ये रिपोर्ट सिस्टम का बस इन्होंने जो है वो UI बदल दिया गया है, बाकी सारी चीज़ें वही सेम है। अब और भी काफ़ी सारे जो है वो चेंजेस है, जैसे कि वॉइस चैट को लेके कंसोल्स पे, उसके बाद जो है वो कुछ और बग्स फिक्स किए हुए हैं इन्होंने, क्रिएटर मोड को लेके कुछ चेंजेस हैं। सो ये सारे चेंजेस जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ पे जाके उस वेबसाइट पे जाके आप, वो ऑफिशियल रॉकस्टार का ही है, वहाँ पे जाके आप जो है वो चेंजेस कर सकते हो। एंड ये चेंज तो सबको मालूम ही है कि भाई सेल्वेज यार्ड का बिजनेस आया हुआ है, सेल्वेज यार्ड एक नई प्रॉपर्टी है वो आई हुई है, तो वो बताने की मुझे कोई जरूरत है नहीं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी, एंड अगर आपकी कुछ भी डाउट हो GTA ऑनलाइन को लेकर तो आप मुझे बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो बेल आइकन दबा दो ताकि आपको ऐसे वीडियोस जो है वो मिलते रहे इन द फ्यूचर। मिलते हैं गाइस आपसे अगली वीडियो में।